वामपंथी किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया, जिसके संबंध में लोकतांत्रिक जनता दल के प्रदेश महासचिव गौतम लाल श्रीवास्तव ने बताया कि लखीमपुर खीरी कांड के जिम्मेदारों के प्रति कड़ी कार्रवाई की जाए तथा समझौते के आधार पर किसानों की सभी मांगों को पूरा किया जाए तथा तीनों कृषि कानूनों को वापस किया जाए। इस अवसर पर वामपंथी किसान मोर्चा के राजेश साहनी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए लोकतांत्रिक जनता दल के प्रदेश महासचिव गौतम लाल श्रीवास्तव ने कहा, कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, तीनों कृषि कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, 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 तीनों कृषि कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। गौतम लाल श्रीवास्तव प्रदेश महासचिव लोकतांत्रिक जनता दल उत्तर प्रदेश। आज पूरे देश में संयुक्त वाम दल संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर पूरे देश में तीनों कृषि कानून को वापस लेने की मांग और केंद्रीय मंत्री जिसने किसानों को रौदा, किसानों को मारा, उसके इस्तीफे की मांग को लेकर के आज हम संयुक्त वाम दल के श्री राममूर्ति जी, श्री राजेश साहनी जी और यहाँ पर उपस्थित सभी किसान संगठनों के साथियों की अगुवाई में हम लोग यहाँ एकत्रित होकर के धरने के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी गोरखपुर के माध्यम से दिया जाएगा कि अब बहुत ही देश में किसानों के ऊपर जो लगातार ज्यादतियाँ हो रही हैं, आज अनवरत किसान सालों से जो है बाजार पर, गाजीपुर बाजार पर, भिन्न भिन्न जगहों पर लगातार अनशनरत है। किसानों का धैर्य और संयम को मैं सलाम करता हूं कि आज संयमित होकर के, संगठित होकर के, गांधीवादी रास्ते पर चल करके आज आंदोलनरत है और ये सरकार इनके अहिंसात्मक आंदोलन और इनके अनुशासन को कमजोरी समझ रही है, जो आने वाले दिनों में बहुत ही गंभीर साबित होगी। आज इस धरने के माध्यम से मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि तीनों कृषि बिल को अब तत्काल वापस ले और केंद्रीय मंत्री जो केनी मिश्र जी हैं उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें। इन्हीं सब बातों को लेकर के आज हम लोग जिलाधिकारी के यहाँ कूच कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।